नमस्कार। आज हम आपके जिस खास मेहमान से मुलाकात कराने जा रहे हैं, उनसे मिलना अपने आप में एक सौभाग्य है। पूरी दुनिया उन्हें गॉड ऑफ सरोद के नाम से जानती है, पद्म विभूषण से सम्मानित उस्ताद अमजद अली खान। उस्ताद जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए हम बहुत 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 आभारी हैं। उस्ताद जी, एक लंबा सफ़र है आपका संगीत की दुनिया में, लेकिन हम आपको आपके बचपन की तरफ ले जाते हैं और सबसे पहले तो वो दिलचस्प कहानी जानना चाहते हैं कि मासूम अली खां कैसे अमजद अली खां बने। एक साधु थे जो भी बहुत ही नूरानी, वेरी बहुत ही एक तेज था उनकी शक्ल के ऊपर, एक बहुत ही रेडिएंट फेस और दाढ़ी थी काली और सैफरन कपड़े पहन के वो आए और वो पिताजी का सरोद सुनते थे। उस ज़माने में हम बहुत छोटे थे और जो भी सीख रहे थे तो वो खुद भी हारमोनियम बजा के गाते थे, मदीना ना देखा तो कुछ भी ना देखा, वो इमोशनल हो जाते थे। क्योंकि जो सूफी लोग होते हैं उनका कोई मज़हब नहीं होता, वो जिधर हर जगह मत्था टेकते हैं। तो वो साधु जिस साहब जो घर आए थे, दरवेश बेटा बजाओ कुछ, जो भी हम बजाते थे उन्होंने वो हमने सुनाया, नाम पूछा, ये नाम है मासूम अली खान रखा था बचपन से, कहते नहीं आज से तुम अमजद हो। तो ये हमें इसका मतलब पता भी नहीं था कि अमजद का मतलब क्या होता है। तो बाद में बहुत जाके इसका अरेबिक लैंग्वेज में इसका मतलब बहुत अच्छा मतलब है, यानी भगवान का ही नाम है, ये बात यही है। तो वहाँ से हमको, उस घर से जो आज सरोद घर के नाम से वो जाना जाता है, और उस घर में हम पैदा हुए और कोई किसी हॉस्पिटल में नहीं गए, किसी क्लिनिक में नहीं गए, वो दाई के हाथ से जिस तरह से ज़माने में बच्चे पैदा होते थे। और तो उसके बाद लोगों ने कहा था इस घर को होटल बना दो, इस घर को गेस्ट हाउस बना दो, इससे आपको बहुत पैसा मिल सकता है। लेकिन कौन सा पैसा जायज़ है और कौन सा पैसा नाजायज़ है, ये भी हमें बचपन से इस बात का हमें बहुत इसका इसकी अहमियत हमें समझा दी गई थी। तो जहाँ हमारी शिक्षा और दीक्षा हुई है वो एक पूजनीय जगह है, तो इसलिए हमने उसको कोशिश करी कि म्यूज़ियम बना दिया जाए और उसको, ये हमारी गुरु दक्षिणा है, गुरु के प्रति, हमारे पूर्वजों के प्रति। भीमसेन जोशी जी आए हुए थे गाने के लिए और भीमसेन जोशी जी ने पब्लिकली 10,000 लोगों के सामने ये बात कही कि इसी घर में मैं 3 साल रहा, सीखता था मैं गाना खास साहब से, मेरे पिताजी से। हर जगह वो बेचारे कहते थे, हालांकि उन्होंने बहुत गुरुओं से सीखा, लेकिन दो राग का उन्होंने नाम लिया, मारवा और पूरिया। ये दोनों राग ऐसे हैं जो एक ही सुर के हैं लेकिन उनका कैरेक्टर अलग है दोनों का। कहते हैं जो क्लासिकल म्यूजिशियन इन दोनों रागों में फ़र्क कर सकता है गाने बजाने में, तब उसको कंसिडर करा जाता है कि ये क्लासिकल म्यूजिशियन है। और ये खान साहब ने ही मुझे फ़र्क, उस्ताद हाफिज़ अली खान साहब ने मुझे ये फ़र्क समझाया। और आप देखो भीमसेन जी की हिस्ट्री देखो तो मैक्सिमम कॉन्सर्ट्स उनके पूरिया गा रहे हैं या मारवा गा रहे हैं। तो 3 साल रहे और जब भी हम जाते थे पूना, वो मुझे हाथ पकड़ के स्टेज पर ले जाते थे, कहते 25,000 लोग खड़े, आपको पता है ये कौन है, ये मेरे गुरु भाई हैं, खुद ही कहते थे। तो ये एक बच्चे जैसा उनका दिल था, एक बहुत ही कोमल हृदय, बहुत ही उनके अंदर एक ह्यूमिलिटी थी पंडित भीमसेन जोशी, इसलिए वो हिंदुस्तान के गाने का फेस बन गए। उस्ताद जी, बात चल रही है आपके बचपन की, तो हम सब अपने बचपन में कुछ शैतानियां ऐसी ज़रूर करते हैं जो ताउम्र याद रहती हैं। आपको अगर आपके बचपन की कोई ऐसी शैतानी, कोई ऐसी बदमाशी याद आती हो जो आप कभी नहीं भूलेंगे? हुआ ये कि हम अपने बचपन की जो आज़ादी होती है वो हम इन्जॉय नहीं कर पाए, यानी बचपन से ही, उसकी वजह यह भी है कि पिताजी हमारे बहुत बुज़ुर्ग थे। हमारे पिताजी के जो कंटेम्प्रेरी म्यूजिशियन थे वो थे उस्ताद अब्दुल करीम खान साहब, फैयाज़ खान साहब, विलायत खान साहब के पिताजी इनायत खान साहब, ये लोग एक युग के लोग थे, कंठे महाराज जी और अहमद जान थिरकवा, ये सब।
तो वो काफ़ी वृद्ध थे, यानी हम आई वॉज द यंगेस्ट चाइल्ड और मे बी अनएक्सपेक्टेड चाइल्ड। और पिताजी हर बच्चे पे उन्होंने ध्यान दिया, हमारे हर बड़ा भाई हमारे सभी सरोद बजाते थे, सबसे बड़े भाई साहब थे मुबारक अली खान साहब, फिर मुझसे बड़े रहमत अली खान साहब, एक हमारे कज़न थे चाचा के बेटे अहमद अली खान नाम था। तो बचपन की आज़ादी को हम इंजॉय नहीं कर पाए, जो बच्चा एक आज़ाद होता है जो मर्जी आए करता है वो हम नहीं कर पाए। तो वो घरों की परिस्थिति को देखकर, पिताजी की शक्ल को देख के एक बहुत दुख था उनकी शक्ल पे कि उनके कंटेम्प्रेरी म्यूजिशंस की औलादें प्लेटफॉर्म पे आ गई थी, उनके घर में हमारे घर में वो जगह खाली पड़ गई उस जनरेशन की। तो वो सारा अटेंशन हमारे ऊपर था और पिताजी के सारे मित्र लोग शिष्य लोग, बेटा अब तुम्हें ही करना है, तुम्हें ही करना है, तुम्हें ही देखना है, तुम्हें ही चलाना है। तो हम 12 साल की उम्र से बुज़ुर्ग बन गए, एक ज़िम्मेदार बन गए। तो ज़िम्मेदारी को महसूस किया, एहसास किया, क्योंकि आज समाज में दुनिया में 50 साल का भी आदमी है ज़िम्मेदार नहीं बनता। तो ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ प्राइड, तो ये खुदा करे हर बच्चा ज़िम्मेदार बने, रिस्पॉन्सिबल बने। तो बचपन की आज़ादी हमें नहीं मिली और हम ज़िम्मेदार बन गए। और ये ख़तरा रहता था बचपन में कि कोई ऐसी बात, गलत बात पिताजी के कान में ना पहुँचे कि हमने किसी को झापड़ मार दिया या पत्थर मार दिया या सर तोड़ दिया। हम खुद ही पिट लेते थे ताकि हमारे हाथ से कोई पिट गया और वो शिकायत करे वो नहीं ठीक है। ये कैसा मतलब बहुत ही मुश्किल है इस बात को समझाना, लेकिन घर का माहौल कैसा था उस्ताद जी, जिस वक्त मतलब सुबह से लेकर शाम तक घर में जब संगीत हो, हर तरफ संगीत फैला हुआ हो, उस माहौल में एक बच्चे का बड़ा होना कैसे देखते हैं आप इस चीज़ को? देखिए बचपन में हम तबला सीखते थे, गाना भी सीखते थे, एक ग्वालियर में महाराष्ट्रियन, हालांकि घर में तो सभी म्यूजिशियन थे, भाई बड़े भाई चाचा आते जाते सभी कुछ सिखाते थे। और पिताजी का ये था कि वो भी उनको गायकी का, गाने का बहुत शौक़ था, तो वो भी गाकर ही मुझे सिखाते थे। लेकिन जब हमारे तबला के, उन्होंने एक ये कह दिया था, एक तबला वादक को कहा था वो मेरे पास आके घर में कुछ सिखा दे, गायक को भी कहा था, एक एन फॉर नागपुर, एल फॉर लंदन, NL गुने, एक महाराष्ट्रियन बहुत गुनी आदमी थे वो, लेकिन उनका प्यार था कि वो घर आके मुझे सिखाते थे गाना। ऐसे एक तबला वादक बहुत बड़े ख़ानदान के थे वो, पंडित रघुवर प्रसाद, तो वो तबला, तो तबले से मुझे बहुत लगाव हो गया था और तबला में काफ़ी बजाने लगा था। तो पिताजी घबरा गए कि कहीं ये सरोद छोड़ ना दे, तो फिर कई दिन तक तबला घर से गायब हो गया था और फिर सरोद की तरफ ध्यान दिया। आपका जो दिल्ली आने का सफ़र है और फिर जो दिल्ली में शुरुआती दिन हैं, मैंने सुना है दिल्ली आपको शुरुआत में बहुत पसंद नहीं आती थी, क्योंकि काफ़ी संघर्ष भी थे, काफ़ी चैलेंजेस भी थे दिल्ली में रहने के दौरान आपके लिए। इसी दिल्ली शहर में हमारे पिताजी 1957 में आए और यहाँ एक संस्था में म्यूज़िक सिखाते थे, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिल्ली। फिर ऐसा वक्त आया कि पिताजी के बाद कहा था कि हमें भी वो नौकरी देंगे, तो वो नौकरी देने में उन्होंने 6 महीने लगा दिए, कहा था 500 रुपये की नौकरी देंगे, लेकिन जब वक्त देने का आया तो कहते भाई हम सिर्फ 300 रुपया दे सकते हैं आपको, करना है तो करो नहीं तो जाओ। तो वक्त वो ऐसा समय था कि हमने वो 300 रुपये की नौकरी करी और वो नौकरी करते ही हमारा बुलाना चलाना ज़्यादा हो गया, लोग हमें हर प्रांत से लोग हमें बुलाने लगे। तो आई कुड नॉट डू जस्टिस टू दैट जॉब, तो विद इन 6 मंथ्स मैंने रिज़ाइन कर दिया। फिर वही कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने हम लोग को एक किराए का घर दे रखा था, जो इरविन हॉस्पिटल जहाँ है, जहाँ वो ख़त्म होता है इरविन हॉस्पिटल और आप जा रहे हैं मिंटो रोड की तरफ, वहाँ मेन रोड पे बंगलोज होते थे, बड़े बड़े
गार्डन होता था, बंगला होता था, तो हम किराए पे रहते थे वहाँ। फिर अचानक एक दिन उसी कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का नोटिस आ गया कि 15 दिन में आप घर खाली करिए। अब 15 दिन में घर कैसे दिल्ली में आप ले सकते हैं? तो फिर वापस हम पिताजी को ग्वालियर ले गए, और उसके बाद उसके थोड़े दिन बाद फिर हमने एक किराए का घर निज़ामुद्दीन वेस्ट में लिया, जिसका हम 250 रुपया किराया देते थे फर्स्ट फ्लोर में। फिर एक दिन हमारी शादी के बाद 1976 में हमारी शादी हुई, उसके बाद फिर हम शिफ्ट करे पंचशील इनक्लेव में, वो 2500 रुपये का हम किराया देते थे। उस वक़्त हमें वो किराया ज़्यादा लग रहा था, तो हमने सोचा बहुत सारे कलाकार हैं जो सरकारी घरों में रहते हैं, करीब 1000-2000 या उससे भी ज़्यादा होंगे, तो मैंने कभी सरकार से कोई मदद लेने की कोशिश नहीं करी। तब हम गए, उस ज़माने में एक हाउसिंग मिनिस्टर होते थे, मिस्टर पीसी सेठी, कांग्रेस के थे, तो हम बाकायदा चिट्ठी, हमारी लाइफ में जब भी हमें ज़रूरत पड़ी हम सीधे आदमी के पास चले गए, ऑफिसर हो, मंत्री हो, सेक्रेटरी हो, सेक्शन ऑफिसर हो, हमने ऊपर से फ़ोन कराने का कभी प्रयास करा नहीं, जानते हम सबको थे। तो वो मंत्री बहुत ही औपचारिकता से, अपने सरकारी औपचारिकता से हमसे मिले, चिट्ठी ले ली उन्होंने, और उसके थोड़े दिन बाद जवाब आया कि सरकार के पास ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि जो आपको हम घर दे सकें। तब मेरे दिल में आया कि मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं और इस बात को बताऊं कि भैया 3000 जो म्यूजिशियन एंड डांसर दिल्ली में सरकारी घरों में रहते हैं, अगर पॉलिसी नहीं है तो वो कैसे रहते हैं। फिर बाद में हमें गुरु का कुछ ऐसा आवाज़ आई कि बेटा ऐसा काम मत करो, ये ना हो कि उनके घर छिन जाएं कहीं, तो हमने अब उसके लिए फिर कोशिश नहीं करी। संगीत के, ख़ासतौर पे शास्त्रीय संगीत के प्रचार प्रसार के लिए जिस तरह की योजनाएं या जिस तरह का सहयोग या जिस तरह की मदद भारत सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए, आपको लगता है वो सही दिशा में है वो रास्ता? कलाकार बनने के लिए एक बहुत लंबा रास्ता होता है, बहुत स्ट्रगल होते हैं, बहुत तकलीफ़ों से एक संगीतकार बनता कैसे है। तो जब उसके स्ट्रगलिंग डेज जो होते हैं उसमें सरकार की कोई मदद नहीं मिलती है, उसमें सरकार को पता भी नहीं लगता कि कौन मेहनत कर रहा है, कौन रियाज कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, और जब वो एक कलाकार एक पर्टिकुलर किसी स्तर पर पहुंच जाता है तब सरकार भी कृपा करती है कि उनको अवार्ड दे देते हैं, उनको सम्मान दे देते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सरकार से बहुत ज़्यादा ग्रांट्स लेते हैं, कॉर्पोरेट हाउसेस से ग्रांट लेते हैं ऑन द नेम ऑफ प्रमोशन ऑफ म्यूज़िक, प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक। भाई म्यूज़िक जो है ये टूथपेस्ट नहीं है, ये कोका कोला नहीं है, ये कोई ब्रांड नहीं है। आप एक ब्रांड को प्रमोट कर सकते हो, म्यूज़िक को प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है, ख़ासतौर पर इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक को प्रमोशन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इट ग्रोज़ ऑन यू, ये संगीत जो है वो इंसान के दिमाग पे, दिल पर असर करता है और फिर लोग उसे सुनने लगते हैं। ना ही हम संगीतकार को प्रमोट कर सकते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं अब ये कलाकार जो है यही सबसे अच्छा गायक है, या यही जो कलाकार है यही सबसे अच्छा सितार वादक है या सरोद वादक है, तो ये सारी बातें काम नहीं आती हैं। सिर्फ रियाज काम आता है, साधना काम आती है। और फिर हमारे देश में जिस तरह से लोग प्रधानमंत्री को चुनते हैं, तो जब देशवासियों ने प्रधानमंत्री को चुन लेते हैं तो इसका मतलब देशवासी उनकी इज्जत करते हैं और उनको उनका मान सम्मान करते हैं और हम भी उनको सलाम करते हैं। इसी तरह कलाकार को भी देशवासी चुनता है। आज एक बिस्मिल्लाह खान शहनाई में एक ही नाम क्यों आता है? क्योंकि जनता ने उनको प्यार दिया, जनता ने उनको सर पे बिठाया,
हजारों शहनाई प्लेयर हैं, हर प्रांत में शहनाई प्लेयर है। तो इसी तरह से तो ये बड़ा नेचुरल ग्रोथ होती है। तो इसीलिए बजाय इसके कि सरकार ऑर्गेनाइजेशंस को पैसा दे, और ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है जो कला की सेवा कर रही है, उसका उसका इंस्पेक्शन हो, उसके बारे में जानकारी ले। बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो बहुत सिंसियर हैं और बहुत कमिटेड हैं और बहुत डेडिकेटेड हैं, लेकिन उनको सरकार से कोई पैसा नहीं मिलता, उनको सरकार से कोई इनकरेजमेंट नहीं मिलती है। अगर सरकार को मदद करना ही है तो स्कॉलरशिप, टैलेंटेड लोगों को स्कॉलरशिप दें, जो महान गुरु लोग हैं, जो मशहूर कलाकार हैं, उनसे पूछताछ करें कि किसको फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है। क्योंकि फाइनेंशियल हेल्प एक सही वक्त पर अगर मिल जाए, या अवार्ड्स भी, ये 40s, अंडर 40s वालों को भी अवार्ड मिलना चाहिए। ये क्या वजह है कि सिर्फ 70 और 80 साल वाले को अवार्ड दिए जाते हैं, और अगर 80 होते होते वो चला जाए तो वो बेचारा अवार्ड से वंचित रह जाता है। तो यंगर जनरेशन को सही, जैसे स्पोर्ट्समैन को 24 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में दुनिया के सारे अवार्ड्स मिल जाते हैं, लेकिन क्लासिकल म्यूज़िक में ज़्यादातर हमारी सरकार 70 साल, 80 साल और 90 साल की इंतज़ार में रहते हैं। तो ये कलाकार के लिए बहुत ही अनहेल्दी सिस्टम है, कला के लिए अनहेल्दी, क्योंकि कला तो हमेशा जवान रहती है, कलाकार बूढ़ा हो जाता है। Thank you.